अवधेशानंद जी गुरुदेव का आश्रम में आए हैं। अब हम दूसरा आश्रम जो सूरज कुंड के बाहर यहाँ का जो आश्रम है, ये भी गुरु जी का, अवधेशानंद जी गुरु जी जब सूरज कुंड से बाहर आते हैं तो यहाँ जरूर रुकते हैं। ये यहाँ पे एक रेस्ट हाउस की तरह बनाया रखा है, इसमें करीबन 10-15 कमरे हैं और ये दूना है बाबा जी के, और साधु संत वगैरह आते रहते हैं। एक साधु महाराज यहाँ पे सो रहे हैं, नारायण जी इनका नाम है, और ये नारायण जी बहुत ही अच्छे गुरु जी के बहुत अच्छे हजरत हैं। ये हमारे साथ आए हुए हैं, वही रानी से ही है। हाँ, और ये सारे इसने ये सारी वनस्पतियाँ वगैरह पहाड़ों के अंदर हैं, और मैं जो गुरु जी का यहाँ पे बैठने का जो स्थान है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। गुरुजी वहाँ से आते ही सीधे यहाँ इस आश्रम में आकर आते हैं, और आश्रम में इनका बैठने का ये गुरुदेव का ये गुरु महाराज का ध्यान लगाने का है। और गुरुदेव के आश्रम में यहाँ अखंड जो जलती रहती है, और गुरु महाराज अभी यहाँ नहीं है फिर भी भक्त लोग यहाँ आते रहते हैं। ये भंडारा है, ये आश्रम, ये सुबह और शाम 24 घंटा शुरू रहता है। सुबह नाश्ता होता है, चाय होती है, भोजन प्रसादी जितना प्रसाद होता रहता है। मैं यहाँ के बहुत ही चमत्कारी यहाँ विभिन्न प्रकार की ये वनस्पतियां भी है जो फूलों की है, गुरु महाराज के आश्रम में फूल चढ़ाने के लिए। और ये कुटिया बनी हुई है एक, जो साधु संतों के रहते हैं, यहाँ तपस्या वगैरह करते हैं। अब मैं आपको माता जी का एक स्थान है वो दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे भी इसकी गुफा है और ऊपर और मंदिर है, और ये नदी है। ये बारिश के दिनों में और अभी मेरे ख्याल से विपर्जॉय के कारण पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई, और यहाँ पे हम लंबे समय तक ये दीपावली तक चलती रहेगी। यहाँ माता जी के स्थान पे जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना में भी मैं यहीं पे था गुरु महाराज, और आज होमअष्टमी के दिन में वापस यहाँ पे आए हैं। और ये माता जी का बहुत ही चमत्कारी स्थान है। ये स्थान है, ये बहुत ही, ये भी पुराने हैं, और पगलिया जो रामदेव जी की पगलिया जो है यहाँ पे, और ये माता जी के पगलिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो बहुत ही प्राचीन समय से बने हुए हैं यहाँ पे। और ये भी मूर्ति जो है प्राकृतिक मूर्ति है, ये बनाई हुई नहीं है, स्वतः ही पहाड़ में से स्वतः ही निकली हुई मूर्ति है ये। अखंड ज्योत जलती है, और अखंड ज्योत के साथ ही
यहाँ पे गुरुमराज आने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह भी विधिवत रूप से रोज प्रतिदिन हवन होता है। और ये जो है यहाँ पे स्थापना के दिन जो जवारा जो अपन डालते हैं वो जवारा है उगा रखे हैं, और इसको ढक के इसलिए रखते हैं कि यहाँ हर कोई हाथ नहीं लगा ले, और कल 9 दिन पूरे होंगे तब इसको जल में वापस पधराएंगे। ये सामने जो पहाड़ी जो है ये भी माता जी से टच में है। कहते हैं कि एक सामने एक गुफा है, इस गुफा ये बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ के पास एक गुफा है, और उस गुफा में होकर के माता जी और कहीं आगे दर्शनार्थ पधारते हैं। अब हम आपको एक अलग और एक जगह लेके जाएंगे, वहाँ पे भी आपको शिव जी के स्थान के लिए लेके जा रहे हैं। वो शिव जी का मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है, और वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाएंगे। पैर रखने की जगह भी नहीं मिल पाती है और खूब भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ही बिरले संत हैं ये। संत नहीं तो किसी प्रकार की कोई प्रवचन करते हैं, नहीं किसी यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है। अभी चित्तौड़ अनगढ़ में इन्होंने चौमासा किया था, उसमें भी दोनों ने नेता जो है जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत सीएम तक वहाँ पे इनके दर्शनार्थ आए थे। अब मैं आपको एक अलग स्थान पे लेके जा रहे हैं। ये नदी हो रही है, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ भी इसमें है जो अपन को दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी, और ये अलग प्रकार की इसमें मछलियाँ हैं। इनकी मछलियाँ भी दिखा दें, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और एक अलग प्रकार की मछलियाँ हैं यहाँ पे। और बताओ। हाँ।